हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे ब्रेड से एकदम नई रेसिपी, ब्रेड स्वीट्स रेसिपी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले लेंगे एक कढ़ाई। कढ़ाई में हम डालेंगे 2 कप दूध, 2 कप को गर्म होने देते हैं। अब मैंने लिया है 2 चम्मच दूध, उसमें हम डालेंगे 2 चम्मच मिल्क पाउडर। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो गया है, अब हम इसको साइड में रख देते हैं। दूध हल्का गर्म हो गया है। दूध में अब हम डालेंगे 1 चम्मच इलायची पाउडर। इलायची पाउडर को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे दूध में। अब हम इसमें डालेंगे दूध और मिल्क पाउडर का मिक्सचर। लगातार चलाते हुए इसे पकाएंगे। दूध को हमें गाढ़ा होने तक पकाना है। ये देखिए, दूध अब हमारा गाढ़ा हो गया है। अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हम बनाएंगे शुगर सिरप। इसके लिए ले आया मैंने एक पैन। पैन में हम डालेंगे 1/2 कप चीनी और 1/2 कप पानी। चीनी अच्छे से घुल गई है, हमारा शुगर सिरप तैयार है। अब मैंने यहाँ पर ली है कुछ ब्रेड स्लाइस। अब हम इनको बीच से कट कर लेंगे। इसी तरह हम सारे ब्रेड को तैयार करेंगे। ये देखिए, अब हम इनको फ्राई करेंगे। तेल को गर्म होने देते हैं। अब हम इसमें सारे ब्रेड डाल देंगे और इनको अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। आप ब्रेड की जगह रस्क का यूज भी कर सकते हैं। ब्रेड को हमें दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक तल लेना है। ये देखिए, ब्रेड हमारी गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब हम इनको प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हम बाकी बची हुई ब्रेड को भी इसी तरह तल लेंगे। ब्रेड अच्छे से फ्राई हो गई है। अब हम इनको निकाल लेंगे। अब हम बनाना शुरू करेंगे। मैंने लिया एक कंटेनर। कंटेनर में हम सारी ब्रेड को अच्छे से रखेंगे। अब इसके ऊपर हम डालेंगे शुगर सिरप जो हमने पहले से बना के रखा था। अच्छे से शुगर सिरप डाल देंगे। अब जो दूध हमने तैयार किया था, अब वो डाल देंगे इसमें।
अब हम इसमें ग्रेट किया हुआ नारियल डाल देंगे। अब नट्स और टूटी फ्रूटी से इसको डेकोरेट कर देंगे। ब्रेड डेजर्ट हमारी तैयार हो गई है। अब हम इसको फ्रिज में रख देंगे और ठंडा होने पर सर्व करेंगे। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।